अप गाइस, दिस इज ऑसम एंड वेलकम टू डीप पॉकेट्स। और आज मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के घर पे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि भाई उसने एक नया ट्रेडिंग सेटअप बनाया है, वो ट्रेडिंग सेटअप कैसे दिखता है। और अभी मैं हूँ बॉम्बे पुणे हाईवे के ऊपर और मैं रिटर्न आ रहा हूँ पुणे से। हालांकि आपको पता होगा कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आर के म्यूज़िक फैक्ट्री, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है कि वहाँ पर था एक पियानो का डिलीवरी। अभी वो पियानो का डिलीवरी जो हो गया फाइनल डन, उसे असेंबल करके हो चुका है। और अभी मैं निकला हूँ पुणे की मुंबई की तरफ, तो मैं अभी एक घंटे में पहुँच जाऊँगा मुंबई, फिर जाते हैं बाइक निकालते हैं। और बाइक निकालने के बाद जाते हैं अपने दोस्त के घर पे और देखेंगे उसका एक नया ट्रेडिंग सेटअप उसने किस तरीके से बनाया है। तो ये रही अपने डीप पॉकेट्स, अभी करते हैं इसे स्टार्ट और निकलते हैं फटाफट जो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वहाँ पर। गाड़ी में अभी जो फ्यूल दिख रहा है वो है पूरा एम्प्टी, मतलब कि गाड़ी में अभी 2-3 लीटर पेट्रोल होगा। लेकिन सुपर बाइक में कैसा होता है कि अगर आपकी गाड़ी में 1-2 लीटर पेट्रोल भी है तो वो तभी से एम्प्टी दिखाना चालू करता है, मतलब रिजर्व से रहेगा तब एम्प्टी दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है बाकी गाड़ियों में भी ऐसा ही दिखाता है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। चलो लेट इट बी, पहले जाके पेट्रोल भरेंगे और उसके बाद फिर हाईवे पकड़ के सन करके निकलेंगे। आज फ्यूल कैश डालने का टाइम आ रहा है 2-3-4-5, तो 1500 रुपये का डाल देते हैं, होपफुली 1500 में पूरा होगा। देखते हैं कितना बैठता है पेट्रोल। अभी मैं जिस दोस्त के पास जा रहा हूँ वो मुझे क्या बोल रहा था बताएगा, भाई मेरा घर है ना सिर्फ तेरे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और तेरे पास तो क्या भाई सुपर बाइक है, तू 25-30 मिनट में आ जाएगा। तो भाई आप देख रहे हो कि सामने गाड़ियाँ कितनी है, कितनी कार है, और यहाँ से आड़ी तेड़ी गाड़ी भगाना भाई पॉसिबल नहीं है। तो 70-80 लास्ट स्पीड मेंटेन होती है और उसके बाद वापस 40-50 पे आती है। भले आपके पास सुपर बाइक रहे लेकिन भाई सुपर जान तो नहीं है, जान तो एक ही है और वो भी सबके पास जो है वही अपने पास है। तो कभी भी गलती से भी ऐसा काम मत करो कि ऐसा आपको जहाँ पर फील होगा कि भाई यार अभी तो अपने सुपर बाइक है तो भगाओ इसको, खुद के बारे में भी सोचो भाई लोग। जो शाम का 6 से 7 के बीच में का जो टाइम होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है वीडियो शूट करने के टाइम, क्योंकि लाइट एकदम मस्त लगती है इस टाइम पे और शूट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और सेम मैंने चेक किया था कि अगर गोप्रो के ऊपर जो ऊपर लेंसेस होते हैं, मतलब अलग अलग स्क्रीन्स होती है जिसको क्या बोलते हैं फिल्टर स्क्रीन, अगर फिल्टर स्क्रीन्स भी आप यूज़ करते हैं ना फिर भी बहुत अच्छे लुक में वीडियोस आते हैं। थाने का डेवलपमेंट भाई बहुत ख़तरनाक हो चुका है, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और सेम एज लाइक एज नवी मुंबई की तरह दिख रहा है ये, लेकिन मस्त दिख रहा है एकदम। वाह, जस्ट रनिंग लाइक ए वाओ,
जस्ट साउंडिंग लाइक अ वाव, जस्ट फीलिंग लाइक अ वाव, मजा आ रहा है। यहाँ से अभी शार्प राइट टर्न आता है, मैप में ही दिखा रहा था। और स्पीड ब्रेकर भी भाई देखो कहाँ पर बांधा है उन्होंने, डायरेक्ट कॉर्नर पे। मतलब अगर वहाँ से कोई बाइक आता है जिसका स्पीड 70 के ऊपर है, उसके तो 70 के लग जाएंगे, क्योंकि जब भी वो थोड़ा भी बाइक झुकाएगा गाड़ी चला निकले तो फटक से भाई वो गाड़ी वापस स्लिप हो जाएगा। ये शायद वापस मैं हाईवे पे आ चुका हूँ और ये मुझे लगता है कि नासिक हाईवे है। मैं इतने देर जब गाड़ी भगा रहा था तो भाई वो मुझे गली गली से लेके जा रहा था। ये गूगल का यही प्रॉब्लम है कि वो भाई आपको ना सिर्फ घुमाते रहता है इस गली से उस गली में। अगर ये पहले से यही हाईवे पर रखता तो कितना मज़ा आता। देखो अब जाते हुए ऐसा ना करें। स्क्रीन पर अभी दिख रहा है 4 मिनट और 4 मिनट में हम लोग पहुँचेंगे जहाँ पर हमें जाना था। और ये शायद ये आखिरी सिग्नल है जहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, और राइट टर्न लेने के बाद हम लोग सीधा पहुँचेंगे पुरानिक्स में। चलो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमको जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर। अभी निकालते हैं हेलमेट को और तो भाई लोग फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमें आना था। और हम लोग देखेंगे एक सुपर सी चीज़ भाई, जिसका हर एक बंदे का ड्रीम होता है। हाँ तो ये रहा भाई, आपको दिख रहा है खतरनाक चीज़ है कि नहीं। ये सामने जो है पूरा इतना बड़ा स्क्रीन भाई, देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहे भाई, ये पद्दी भाई ने बनाई है लगभग 5 लाख रुपए के आसपास पैसा करके इसके ऊपर। ओ माय गॉड, लाइट्स बंद करने के बाद तो एकदम खतरनाक दिख रही है, और भी एकदम तगड़ी वाली वाइब आ रही है, वाइब्स खतरनाक वाली वाइब्स आ रही है। कैमरा लगाना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई लोग आप देख रहे हो भाई, ये जो पीसी है एकदम ही बंद कैसे बढ़िया है, बंद तूने बंद कर दिया। देखो भाई स्क्रीन देखो कितनी बड़ी यार, इसके ऊपर गेम खेल लो कितनी मजा आएगी। सबसे मजा तो सबसे खतरनाक मजा तो भाई वो देखने में कितना आएगी। अगर आप समझ चुके हो भाई तो कमेंट में करो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी सब भाई सेटअप एकदम खतरनाक है, इसका मैं एक सिनेमैटिक भी डाल देता हूँ तो और आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ये देखो भाई साहब, ये भगवान की पूजा में इतने व्यस्त रहते हैं भाई, सुबह शाम दोपहर को भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। भगवान जागो जागो, आपके लिए मंत्र भी सीख चुका है, जागो। भाई बच्चे देख रहे हो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरा डायलॉग बोल रहे हैं। चलो बाय बाय, एक बार कर लो बच्चों को भाई आवाज सुननी है, बच्चों को आवाज सुननी है।
दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दोस्त है ना आपके मतलब आपके लेवल के होने चाहिए या फिर आपके लेवल के ऊपर के होने चाहिए। आपको बताता हूँ, मैं जब बाइक के सोसाइटी के अंदर घुस गया बिल्डिंग के अंदर अपना सुपर बाइक लेके भाई, तो जो देखने वाले लोगों को नजरिया था वो एक ख़तरनाक था। और वहाँ पर कैसा होता कि अपने भाई की इज्जत थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई। सेकेंड थिंग कि भाई मोटिवेट होता है मेरी बाइक देखकर, क्योंकि भाई उसको पता है कि एक्चुअली Z900 उसका भी ड्रीम है, लेकिन मैंने उसे सजेस्ट किया है कि भाई गो फॉर द हायाबुसा क्योंकि तेरा हाइट कम है, ऐसा है। और वन मोर थिंग कि वो मेरा बाइक देख के भाई मोटिवेट होता है और मैं उसका ट्रेडिंग सेटअप देख के मोटिवेट हो रहा हूँ। मतलब आप देख रहे हो दोस्त, अगर आपके आपके आजू बाजू में मतलब सिमिलर होंगे, चलो ठीक है मुझे बाइक्स का शौक है, लेकिन उसका जो ट्रेडिंग सेटअप आपने देखा है, ट्रेडिंग सेटअप देखने के बाद आप भी बोलोगे यार कि ऐसा सेटअप अगर आप में से कोई ट्रेडिंग करता है या फिर स्टॉक मार्केट में काम करता है तो होना चाहिए घर पर। पर्सनल सेटअप भाई बहुत ज़रूरी है। कभी कभी गूगल मैप बहुत काम आता है और कभी कभी भाई ये बिल्कुल काम नहीं आता है, क्योंकि अभी मैं रास्ता भटक चुका था और लगभग 200-300 मीटर आगे गया, मुझे ऐसा शक हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। साला मैंने अभी गूगल मैप के बारे में क्या बोला था कि कभी कभी काम आता है, भाई इसने धोखा देना चालू कर दिया बीच में, डायरेक्ट सडनली पूरा का पूरा ना बंद हो गया। अब भाई मैं क्या करता, आजू बाजू वाले को पूछा मैंने, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं एक ट्रैफिक पुलिस था उसको जाके पूछा। लेकिन भाई आपको बता तो, अगर आपके पास सुपर बाइक है और अगर आप जाकर पुलिस वाले से एड्रेस पूछ रहे हो ना, तो भाई शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, पता है क्या आपको? तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि शेर आपका हाथ पकड़ के डायरेक्ट चबा जाए, आपका हाथ क्या आपको पूरा चबा जाए। लेकिन भाई जिस पुलिस ऑफिसर से मैंने पूछा, उन्होंने बहुत पेशेंसली जवाब दिया। हालांकि उन्होंने मुझे भी पूछा गाड़ी कौन सा है, तो मैंने बता दिया कि भाई ये गाड़ी है और शांति से बात हो, अच्छा लगा भाई। मतलब बहुत पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो सपोर्टिव होते हैं, उन्होंने ज़्यादा कुछ मुझे बोला नहीं, आराम से जाओ बोला। तो चलो भाई हम लोग हमारा डेस्टिनेशन में जाकर आ चुके हैं, जो भी हमारा आज का फिक्स्ड पॉइंट था वहाँ पर जाए गए, विज़िट किए। विज़िट करने के बाद वहाँ पे हमने कुछ अच्छी वीडियोस बनाई जो के लिए हमें होंगे, जो कि हमारे लिए होंगी ज़िंदगी भर के लिए यादें। और अभी हम लोग पहुँच गए वापस बॉम्बे जी के घर पे। ये रहा बॉम्बे जी, देख रहे हो बॉम्बे जी कैसे खुश हो गया। बॉम्बे जी को पता चला है अभी बॉम्बे में ग्राउंड मारा जा रहे हैं।